गेम को प्ले करने का बटन दबाएंगे, वहाँ आप देखेंगे राइट साइड में दो ऑप्शंस खुल चुके हैं और वो हैं 5 vs 5 यानी 5v5 और एक एवरीवन फॉर हिमसेल्फ की। उसमें आप एक तो आप डेथ मैच जो आप खेलते हैं पबजी के अंदर, एक तो वो मोड है और एक और जो मोड है वो जो आपका बैटल ग्राउंड मोड है वो होने वाला है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण के व्लॉग्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। सो गाइस, जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस लम्हा, जिस पल, जिस समय का सभी इंडियन गेमर्स को काफी समय से इंतजार था, वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल, वो समय अब आ चुका है। यानी कि आ चुका है फौजी गेम। उसे आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा फॉर श्योर, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी ये आ रहा है और सबसे ज्यादा बातें अभी ये हो रही है कि फौजी गेम अच्छा है या नहीं। मिक्स रिएक्शन काफी आ रहे हैं, क्योंकि जो लोगों ने सोचा था पबजी को लेके कि पबजी में जिस तरह से गन्स हैं, इसके अंदर फिलहाल कोई भी गन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने गेम डाउनलोड नहीं किया उनको बता दूं कि फिलहाल फौजी गेम में कोई भी गन्स नहीं है। फिलहाल वो एक एक्शन गेम की तरह आया है, ना कि बैटल गेम की तरह आया है। इस गेम को हमने, यानी कि मैंने कल कंप्लीट भी कर लिया है। अब ये कंप्लीट किया है, जिसने नहीं किया है वो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने कर भी लिया है वो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बताएंगे कि साथ इसके अंदर कुछ नए अपडेट, यानी गन्स वाला जो बैटल गेम है वो भी फौजी में जल्द ही आने वाला है। सो इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बात करेंगे आगे इसी बारे में। लेट्स गो। सो गाइस, वैसे फौजी गेम को पबजी से कंपेयर करना सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि फौजी गेम अलग तरीके से बनाया गया, यानी कि वो एक एक्शन गेम है, ना कि कोई बैटल गेम है। फिलहाल जो ये वाला हमने जो अभी खेल पा रहे हैं, जो गलवान वैली के ऊपर जो स्टोरी है उसको लेके पूरा एक गेम फिलहाल बनाया गया है। देश और भाइयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूं। और इसके अंदर काफी सारे अपडेट हैं जो अभी भी आना बाकी हैं। सो इस गेम को खेलते वक्त जो एक्सपीरियंस मिला है वो है फुल ऑन एक्शन का गेम है, कि कैसे एक इंडिविजुअल सोल्जर जाके अपनी पूरी टीम को बचा के आता है मिशन में, पूरी तरह से उसे करने में कितना सक्षम होता है कितना नहीं, ये इस गेम में हमें दिखाया गया है। सो गाइस, इस गेम को खेलते हुए जो मैंने चीजें नोटिस करी वो ये है कि पंचेस बहुत ज्यादा लगातार हमें मारते रहना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा जो काम है वो है सिर्फ और सिर्फ पंचेस का ही। कोई जंप इसके अंदर फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है, या कोई भी ऐसी चीजों को हम जाके हम लोग ग्रैब कर सकते हैं वो फिलहाल इसके अंदर कोई ऐसा अपडेट नहीं है। सो फिलहाल ये भी इसे कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी गेम है ये। लेकिन कई जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पे दुश्मन बहुत ज्यादा एक साथ आपके सामने आते हैं, तो आप वहाँ पे उन्हें डिफीट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन इस गेम को हमने कर लिया है कंप्लीट, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया है। सो इस गेम को खेलते वक्त हमने यही मिशन रखा, इस गेम में आगे और क्या एक्साइटिंग चीज है उसे सबसे पहले जाके देखा जाए कि क्या क्या इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीजें हैं या क्या क्या इस गेम में है। तो चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा हमारा गेम प्ले आपको दिखाते हैं। पहले आप थोड़ा सा हमारा गेम प्ले देखिए, उसके बाद वापस आइए, हम वापस बात करते हैं। लेट्स सी। जान की बाजी लगा सकता हूं। हाँ, सो गाइस, अभी जो फिलहाल आपने देखा जिनकी एंट्री हुई है, ये महाशय हैं इस गेम के बॉस, यानी कि जिनके कब्जे में हमारी टीम, यानी कि जो फौजी गेम के अंदर जो टीम है वो उनके कब्जे में है।
सो फाइनल बॉस को मारने के बाद ही ये गेम कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में ये गेम फिर से शुरू हो जाता है। सो इस गेम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लास्ट तक पहुंचना, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों को खेलने में वो ये आ रही है कि इसके अंदर जो टाइमिंग दिया हुआ है उसी गिवन टाइमिंग में आपको इन बॉस को फिनिश करना है, यानी कि इस गेम को कंप्लीट करना है। अगर आप उस टाइमिंग में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब भी आप इस गेम में हार जाएंगे, यानी इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो लोगों को फिलहाल जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि इस गेम में गन्स क्यों नहीं है, इस गेम में गन्स ही नहीं है। यस, ये डिसअपॉइंटमेंट तो हमें भी हुई है फिलहाल, क्योंकि हम पबजी खेल खेल के इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि हमें एक्शन गेम खेलने की इतनी ज्यादा फिलहाल हैबिट नहीं, हमें वही हेडशॉट एंड ऑल वो मारने की हमें ज्यादा पड़ गई है। लेकिन इस गेम में भी वो अपडेट आने वाले हैं बहुत, जब भी आप गेम को प्ले करने का बटन दबाएंगे वहां आप देखेंगे राइट साइड में दो ऑप्शंस खुल चुके हैं और वो हैं 5v5 यानी 5v5 और एक एवरीवन फॉर हिमसेल्फ। सो ये भी एक है मोड दो, बट ऑब्वियस यही लग रहा है कि उसमें आप एक तो आप डेथ मैच जो आप खेलते हैं पबजी के अंदर, एक तो वो मोड है और एक और जो मोड है वो जो आपका बैटल ग्राउंड मोड है वो होने वाला है। तो काफी जल्द वो भी अपडेट्स आने वाले हैं। फिलहाल 26 जनवरी के ओकेशन पे इसे गेम को लॉन्च तो कर दिया गया है और काफी लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन फिलहाल जो रेटिंग्स आ रही हैं इस गेम की वो थोड़ी सी मिक्स आ रही हैं। कोई कह रहा है 3 स्टार, कोई 4, कोई 4.5। लेकिन बीइंग इंडियन और एक इंडियन गेमर्स को सपोर्ट करना हमारा बनता है, तो मैं सभी से ही कहूंगा कि फिलहाल ये ना देखें कि ये पबजी के कंपटीशन में है, क्योंकि पबजी से इसे कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा, और वो भी पहली बार में इतने जल्दी तो नहीं आया था, उसे भी डेवलप होने में टाइम लगा था और अभी भी वो डेवलप होता ही जा रहा है। सो फौजी को भी हम लोग उतना समय दें, उतना टाइम दें कि ये गेम भी डेवलप होके और बहुत अच्छे से हमारे सामने निकल के आया। उम्मीद करते हैं कि ये इंडियन गेम काफी ज्यादा हाईलाइट है, और सबसे अच्छी बात जो ये है कि इस गेम से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% जाएगा भारत के वीर में। सो भारत के वीर फंड में ये जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनकोर गेम्स की तरफ से, बट ऑब्वियस अक्षय कुमार सर की तरफ से भी। सो गाइस, इस वीडियो को किस किस ने कंप्लीट कर लिया है और किस किस को ये गेम अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये गेम और क्या सोचना है आपका फौजी गेम के बारे में। सो फिलहाल के लिए आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमने दी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना इसी तरह के और भी वीडियोज को देखने के लिए। सो तब तक के लिए दिस इज तरुण पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय फौजी।